बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे भैन भरा सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे और ऐसी प्यारी सी दुआना करते। अज की वीडियो शुरू, अज की वीडियो है कि असी हम सिलाई वगैरह कर रहे थे कपड़े ईद के, साढ़े भी नाल हमसाया के कपड़े आए थे ते हूँ साढ़े को तो सिलाई वगैरह मैं कर रही थी। मिनाही साढ़े घर अज मिनाही लाई है, साढ़े घर मिनाही लाई है तो मिनाही खेलना ही है तो साढ़े घर मिनाही लाई है। आप खुद चल के आई है साढ़े घर क्योंकि इन्हें कल साढ़े वादा किया तो इस करके वादा अपना पूरा कर आई है साढ़े घर। तो मैंने मिलन आई है, किन मिलन आई है मिनाही, मैंने मिलन आई है तो अनाया हो रहा बेटे और जी छोटी भैन है तो वह सस लग गई हमसाया की बेटी ना लड़की सी छोटी जी तो वह खेलन लगी हुई उन्हें धक्का दिता तो बेचारे दस सिर तो चोड़ लग गई थोड़ी जी। हाँ जी असलाम मानो अस्सलाम वालेकुम बोलो। कल बोलनी है आज फिर बोलना, आज तो साढ़े घर आई है ना फिर सलाम लेना नहीं। हाँ क्या सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम ऐ मनाही ने सलाम तो सारे ना लिया है ना बेटे ना ना ऐ साड़ी पारी जी शहजादी है ना ऐ मेरी बेटी है ते वो जो कहंदी मैनू उठाओ क्यों मनाही मेरे को आंदियां ने ते कहंदियां ने पीछे करो ते मैनू उठाओ ते ऐ दोनों भैणां ने ए दोनों भैन आई ने साढ़े घर। मिनाहिल चीज मंगवा के दोनों तेन शह खानी है ते मिनाहिल कह रही मैंने शह मंगा के दो तेन मैं चीज मंगवा के दे रही हूँ ते मैं अपने बेटे ने भेज दी शाह शाह ने मैं जाना भैन लेके ये वास्ते थोड़ी चीजा लेके खाने वाली काफ़ी खाने भेज दी मिनाहिल वास्ते कि मिनाहिल चीजा लेके आवे ते मिनाहिल इतने बैठ के चीजा खाएगी ठीक है ना। है पैर गंदे हो गए ने रोटी हो नमाज आंटी मेनू जान नमाज बिछा के दो मैं नमाज पढ़नी है कुरान पाक भी पढ़ना। अच्छा जी कुरान पाक भी पढ़ी ठीक है ना। कहंदी मैं कुरान पाक भी पढ़ना और मैं नमाज भी पढ़नी मैं जान नमाज बिछा के दो तो इन्हें मैं जान नमाज हम बिछा के दिनी हाँ तो शह खा के फिर कुरान पाक कराने पाक तो बच्ची है मैं दे नहीं सकती लेकिन मैं जान नमाज बिछा के देवगी कि चलो बह के दुआव करती रहे बच्चिया तो बच्चे अल्लाह तला बच्चों की दुआव जरूर कबूल कर दें। ए चीज़ पकड़ाओ अला मिना ही भी ले लो ए मेरे को मेरे को उपर देख उपर इथे इथे ਉਤੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੈ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹਮਗੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾ ਕੇ ਦੇ ਮਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਦ ਮੰਗਣੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਲਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਛਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अपनी नमाज पढ़ने बनाया छोटा जा खड़ा की असि नमाज एरे ते पढ़ी दी आ क्योंकि फिर ना इस वाशरूम जिथे भी बंदा निकल उ पैर पूर लगते ने ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਿਛਾਈਦੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੁਆ ਪੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰ ਐ ਮਨਾਹਿਲ ਫਾਤਮਾ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਈ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਮਨਾਹਿਲ ਫਾਤਮਾ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ ਆ ਦੁਆ ਸ਼ਾਇ ਇੱਥੇ ਖਾਣੀ ਆ ਚਲ ਫਿਰ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਮੰਗੋ ਦੁਆ ਹੈ हां ट्रे भी रखांगी तेरे अगे चीजा रख दे हां अफतारी दे टाइम साडे घर आज अफतारी करके जावी है ठीक है गाना रोजा खोल के जावी साडे अल नहीं रोजा नहीं खोल के जाना हां ते फिर रोजा साडे अल खोल के जावी नहीं चल फिर हुन दुआ तो मांग ला चलो एल तक आके हां दुआ मांगो चलो जिस तरह मिलाद नहीं करी दों जी दुआ मांगो किदे वास्ते दुआ पे मांगदी अपने वास्ते सारे वास्ते अनाया बैठी हुई है सारे वास्ते दुआ मांग सारे वास्ते क्या ला मियां साडे पाकिस्तान ते रहम कर दे अल्लाह ताला साडे पाकिस्तान ते रहम कर दे आमीन आमीन और इत्थे दी मंगियाई भी काम हो जे मंगियाई चल दुआ सारे वास्ते दुआ मांग क्या ला मियां सब ठीक ठाक हो जन अम्मी जी में दुआ करांदी हूं जी मांग मनाहिल चली गई हूं अपने घर क्योंकि ओदा दिल नहीं लग्या अज मेरी बेटी गई हुई सी अरबी पढ़न ते ओदा इस करके ओदे नाल ओ घर कोई नहीं सी आएगी ते इस करके ओ चली गई है ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਦੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਲਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ मैं कहा चलो तुम सालन बनाओ तो बकाया दूसरी तैयारी असं आप खुद करते हैं तो अफतारी का टाइम होने वाला तो बकाया चीज़ असं आप खुद तैयार करते हैं अफतारी का टाइम शुरू हो गया तो यह चीज़ा बन गई ने अफतारी का समान सारा तैयार हो गया तो हूँ रोज़ा खोलने वास्ते सारे बैठे हुए हैं तो हूँ रोज़ा खोलने वाला ही है तो अगर थोड़ी साड़ी वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दे और सूँ ऐसी वीडियो ने इजाजत दो अल्लाह हाफिज़।